कुदरत का रौद्र रूप, कहर बरपा रहा है सैलाब, कहीं बाढ़ में फंसे लोग, कहीं मूसलाधार बारिश में बही का। सावन की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अपने गियर को एक बार फिर बदल लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में कुदरत की सुपर पावर का असर साफ दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद देश भर के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं। सूरत में बेहिसाब बारिश हो रही है। शहर के निचले और तटीय इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच पालसरा इलाके से डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बालेश्वर इलाके से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सैलाब का पानी लोगों की कमर तक जा पहुंचा है। सैकड़ों परिवार सैलाब के शिकंजे में फंसे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के बाटवा खारा बांध का पानी अपनी हदों को पार कर चुका है, लिहाजा बांध के गेटों को खोला गया तो हालात बेकाबू हो गए। बांध का बेहिसाब पानी इलाकों में दाखिल हो गया। कमर तक बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये परिवार सैलाब के बीच फंस गए। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। पहले कई परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री पहुंचाई गई। उसके बाद जिन परिवारों को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा था, उन्हें रस्सी और नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान NDRF की टीम ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। यहाँ रवा नदी अपने रौद्र पर है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें सैलाब की प्रचंड लहरें चंद सेकंडों के भीतर बिजली के खंभों को अपने साथ बहा ले गई। यहाँ बाढ़ का पानी जितना इंसानों के लिए मुसीबत बना है, उससे कहीं ज्यादा जीवों के लिए। बाढ़ से उफनती नदी की जद में 15 गाय आ गई और देखते ही देखते बाढ़ का पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। द्वारका में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क के बीचों बीच फंसी इस बस को देखिए। सैलाब की ताकत के आगे जब मशीन की ताकत जवाब दे गई, तब ट्रैक्टर की मदद से सारे यात्रियों को उतार कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। द्वारका से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां कल्याणपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में ये कार तिनके की तरह बह गई। राजकोट में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर सीधे सीधे जनजीवन पर पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, जिनके घर इस सैलाब की जद में आ गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की। धसा नदी में आए उफान की वजह से यहाँ 50 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिसके बाद NDRF की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया जा सका।